ऑनलाइन कोचिंग माई सेल्फ चिराग जोशी. डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द सेकेंड रोमन, वेरी इंटरेस्टिंग वन, प्लीज पे अटेंशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. So that they have two equal roots. Dear students, two equal roots. It means D is equals to zero. कोई बोलेगा it has two roots, two distinct root. It means D is greater than zero. Root does not exist. It means D is less than zero. यहाँ पे क्या है? They have two equal roots. It means D equals to zero. पहला क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आपको कंपेयर करना है. सो बी इज, पहले ये कर लेते हैं, ए इज टू, बी इज के एंड सी इज थ्री. ओके, what is a 2, b that is k and c that is 3. Clear? Now please see here, d equals to what? B square minus 4ac. D is what, dear students? 0. What was our b? K minus 4. What was our a? 2. What was our c? 3. 0 equals to k square minus 4, 3 is 12, 12, 2 is 24. Okay, 4, 3 is 12 and 12, 2 is 24. Negative 24 comes this side. So positive 24 equals to k square. Dear student, read the question. Find the value of k. Aapko sirf k chahiye. It means remove the square. So here will be the square root. Okay, 24 ka root to nahi niklega. Agar 25 hota to 5 ban jata. Dear students, agar 25 ka root nahi nikal raha hai, it means 4 into 6. I am sorry, 24 ka root nahi nikal raha, it means it is 4 into 6. 4 ka nikal jayega, that is 2. रूट सिक्स, सिक्स का रूट नहीं निकला. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डियर स्टूडेंट्स? टू रूट सिक्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई एम सॉल्विंग द सेकेंड क्वेश्चन. सेम पैटर्न डियर स्टूडेंट्स, इन द एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स यू हैव टू रिमेंबर द पैटर्न. डिजिट विल चेंज, एक ही डिजिट नहीं रहेगा. आप प्रैक्टिस के लिए चाहे 100 सम्स कैलकुलेट कीजिए, एग्जाम में आने वाला है 101, नया ही सम आएगा. बट यू शुड नो द फॉर्मूला. ओके, सेम डी इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया गया है. फर्स्ट यू हैव टू चेंज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म. के एक्स विल बी मल्टीप्लाई विथ एक्स, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ इट इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म. व्हाट इज ए डियर स्टूडेंट्स? योर ए इज के. व्हाट इज योर बी? योर बी इज माइनस 2k. व्हाट इज योर सी? योर सी इज 6. नाउ प्लीज सी हियर, व्हाट वाज अवर फॉर्मूला? डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. D equals to what? 0. B square, that is minus 2k square minus 4. What is A? A is k. What is C? C is 6. Please pay attention. Minus 2 ka square ho jayega 4 and k ka square ho jayega k square. Minus 6 4s are 24k.
डियर स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, दिस इज नेगेटिव 24. इफ नेगेटिव 24 कम्स, दिस साइड बिकम्स पॉजिटिव 24 के. नेगेटिव 24 के हैज केम हियर, सो इट इज 24 के इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर. क्लियर? नाउ 1 के डिडक्टेड, 4 विल बी इन द डिविजन. सो 24 बाई 4 इक्वल्स टू के एंड आंसर इज 6. 6 4s are 24, सो के इक्वल्स टू 6. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 4.4. दिस वॉज सेकेंड रोमन. डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड रोमन. प्लीज पे अटेंशन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड रोमन. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन द क्वेश्चन. इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस है. मींस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ कीवर्ड. And its area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. Very easy, dear students. आपको assume करना होगा breadth. Breadth equals to x meter. क्योंकि length जो है वो breadth से twice है. So it is 2x. Okay. It is possible to design a rectangle mango grove whose length is twice its breadth and its area is, area equals to 800 meter square. Dear students, बहुत ही easy बन गई आपके लिए. क्यों? Area of rectangle आपको पता है. Area of rectangle equals to length into breadth. Means 800 equals to length कितना है 2x, breadth कितना है x. So 800 equals to 2x square. ये 2 कहाँ आ जाएगा division में? 800 divided by 2 equals to 400 equals to x square. Dear student, x square equals to 400. X equals to under root 400. X equals to plus or minus 20. Okay. That is 20. Negative breadth cannot exist, so it is positive. Now please see here. Length is 20 and twice. Sorry, my mistake. Breadth is 20 and length is 2x. So, dear students, breadth equals to 20 meter and length equals to 40 meter. I hope, dear students, you are able to understand the fourth chapter. Okay, we complete the chapter over here. Now, you have to solve fourth and the fifth. Two questions are only left. I have solved total exercise for you. 14.4. First Roman 3 questions I did, second Roman 2 questions and third Roman. Now 4th and 5th in the homework. If you are having any doubt, single query, please ask me. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.